नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम आपको टाइफाइड क्यों होता है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले। दोस्तों, यह टाइफाइड का जो संक्रमण रहता है यह गंदगी के द्वारा फैलता है, या आप दूषित पानी पी रहे हैं या दूषित भोजन कर रहे हैं तो उसी के द्वारा यह टाइफाइड संक्रमण जो रहता है, या टाइफाइड की जैसी सब बीमारी रहती है उसी के द्वारा यह फैलता है। तो उतने समय आप दूषित भोजन का प्रयोग ना करें और दूषित पानी का प्रयोग ना करें। चलिए जानते हैं कि दूषित भोजन और दूषित पानी होता क्या है। बरसात के समय में वाटर लेवल जो पानी का रहता है, मान लीजिए जमाव रहता है, तो वाटर लेवल ऊपर आने के कारण उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वह ऊपर आ जाते हैं, तो उसी की वजह से यह आपको संक्रमित करता है। अगर आपको पानी पीना है बरसात के समय तो पानी को आप उबाल लीजिए, या आपका जो हैंडपंप रहता है उसका जो गहराई रहता है कम रहता है तो उसको भी आप पानी को उबाल करके पिए, क्योंकि यह संक्रमित जो रहता है या बीमारी जो रहती है यह आपके दूषित पानी पीने के कारण ही होता है। और चलिए जानते हैं कि दूषित भोजन क्या होता है। दूषित भोजन, मान लीजिए आप खाना बच गया रहा, शाम को उसको रख दे रहे हैं, सुबह खाना खा रहे हैं, तो उसी को दूषित भोजन कहते हैं। या बाहरी सामानों का आप ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें मक्खी वक्खियां बैठी रहती हैं, जिसमें सब कीटाणु रहते हैं या जीवाणु रहते हैं, उसी को अगर आप उसको खा रहे हैं तो उसी की वजह से यह टाइफाइड जैसी भयानक बीमारी आपको ग्रसित कर लेती है। चलिए जानते हैं कि टाइफाइड जो है यह किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दोस्तों, यह टाइफाइड जो है साल्मोनेला एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी और साल्मोना पैराटाइफी नामक बैक्टीरिया से ही आपको टाइफाइड होता है। दोस्तों, ध्यान रहे, यह टाइफाइड जो रहता है अगर आपको ग्रसित कर लिया है, या है आपके अगर संपर्क में कोई आ रहा है तो उस व्यक्ति को टाइफाइड होने का चांस बढ़ जाता है, या मान लीजिए आपका जूठा भोजन कर रहा है तो उससे भी टाइफाइड होने का चांस बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, अगर आप टाइफाइड से ग्रसित हैं तो इन सब चीजों से आप बचाव रखें। चलिए जानते हैं कि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह टाइफाइड जो रहता है यह युवा बुजुर्गों को ही टाइफाइड होता है, ये गलत है। टाइफाइड आपको अगर हो रहा है तो अगर आपका बच्चा आपके संपर्क में आ रहा है तो उसे भी टाइफाइड होने का चांस बढ़ जाएगा। यह युवा बुजुर्ग और बच्चों को, सबको टाइफाइड होता है। चलिए जानते हैं कि टाइफाइड अगर हो चुका है या होने वाला है तो उसके फर्स्ट स्टेज में हमको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड ने फर्स्ट स्टेज में अगर ग्रसित कर रहा है तो आपका सिर दर्द कर सकता है, पेट दर्द कर सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है, या आपको धीरे धीरे आपका फीवर बढ़ सकता है, घट सकता है, या एक दिन रहता है फिर उसके बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर फीवर हो जाता है, तो उस समय इस तरह का लक्षण आपको टाइफाइड होने पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको भूख भी नहीं लगेगी। भूख की समस्या अगर आपको बनी रहती है कि आपको भूख नहीं लगता है तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको टाइफाइड ने ग्रसित कर लिया है, क्योंकि यह जो बैक्टीरिया रहता है वह सीधे आपके लीवर पर अटैक करते हैं, जिससे आपका लीवर जो रहता है वह काम करना बंद कर देता है, बहुत स्लो काम करता है, तो उससे आपको भूख भूख नहीं लगता है, और आपको इसमें टाइफाइड होने पर आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। तो उतने समय अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो आप उनसे बचें ताकि आपको यह टाइफाइड ग्रसित ना करे। दोस्तों, यह टाइफाइड जो रहता है यह बहुत ही खतरनाक बीमारी रहती है। इसमें शरीर जो रहता है पूरी तरह सूखने लगता है, तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, आपको आलस लगने लगता है, हाथ पैर दर्द करता है, सर दर्द करता है। इस तरह के आपको लक्षण टाइफाइड के बाद या टाइफाइड होने पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि टाइफाइड में कितना डिग्री बुखार हो सकता है किसी को भी। दोस्तों, इसमें आपको 100 डिग्री से लेकर के 102, 103, 104 डिग्री तक आपको बुखार हो सकता है अगर टाइफाइड आपको ग्रसित कर लिया है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि टाइफाइड कितने दिन तक ग्रसित करता है। दोस्तों, यह है लगभग 2 सप्ताह तक, या आपको 21 दिन तक यह आपको ग्रसित करता है। इसमें इसके बीच में आपको भूख भूख नहीं लगता है, प्यास भी नहीं लगता है, बहुत कुछ भी खाने का इच्छा नहीं करता है। तो उतने समय अगर यह बीमारी आपको ग्रसित कर ली है तो उतने समय आप तरल पदार्थ का प्रयोग करें, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, जूस हुआ, इन सब चीजों का प्रयोग करें ताकि आपका शरीर जो है वह कमजोर ना रहे। अगर आपका मन खाना खाने का कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अगर कर रहा तो थोड़ा करके आप दिन में कई बार यूज कर सकते हैं, जहां तक हो आप तरल पदार्थ का ही प्रयोग करें। दोस्तों, एक चीज और आप ध्यान रखिए कि अगर आपको टाइफाइड ग्रसित कर लिया है तो उतने समय आप रोटी का प्रयोग ना करें कि जब तक आपका टाइफाइड सही ना हो जाए, क्योंकि यह टाइफाइड जो रहता है इसमें अगर रोटी का प्रयोग आप कर रहे हैं तो यह रोटी जो रहता है यह जाकर के आपके आंतों पर चिपकने लगता है। तो उतने समय आप टाइफाइड के समय रोटी का प्रयोग ना करें, आप दूध का प्रयोग टाइफाइड के समय कर सकते हैं।
क्योंकि टाइफाइड के समय प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा आपके शरीर को होती है, उतने समय आप टाइफाइड में आप लिक्विड चीजों का प्रयोग आप करते रहिए। चलिए जानते हैं कि टाइफाइड में, अगर टाइफाइड हमको हो गया तो हमें कौन कौन सा भोजन करना चाहिए। दोस्तों टाइफाइड में आपको तरल पदार्थ सबसे पहले आपको प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद हरी सब्जियों का आप प्रयोग करें, और इसके साथ साथ आप केला और पपीता का भी प्रयोग करें। और आपको टाइफाइड में प्रयोग क्या नहीं करना है, टाइफाइड में आप भारी सामानों का प्रयोग ना करें, ज्यादा तेल मसाले का प्रयोग ना करें, गोभी शलजम शिमला मिर्च मूली अचार चटनी इन सब का प्रयोग आप टाइफाइड होने पर आप इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसी तरह आप प्यार बनाए देर ना करते। वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।